नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CEC के लाइव एडिसेट लेक्चर में। दोस्तों, वैसे तो हम विभिन्न विषयों पर बात करते हैं और हिंदी जिस विषय पर यानी कि सब्जेक्ट पर आज फिर हम चर्चा करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास के विकास के बारे में। और इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर PC टंडन। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मैं तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी PC टंडन साहब का और चाहूँगी कि हिंदी उपन्यास का विकास किस तरह हुआ, कौन कौन से ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा लोगों को ओतप्रोत किया। तो सबसे पहले टंडन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और नमस्कार श्रोताओं, दर्शकों। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी गद्य के उद्भव और विकास पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इससे पहले हमने हिंदी गद्य का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ और उसकी विकास यात्रा क्या रही, इस पर चर्चा करते हुए सर्वप्रथम हमने दो विधाओं पर बातचीत की है, हिंदी नाटक उसके विभिन्न चरणों पर और उसके विभाजन पर, फिर उसी तरह से नाटक के स्वरूप, नाटककारों की के प्रदेय आदि पर चर्चा की। दूसरी विधा हमने एकांकी ली थी और उस पर भी विस्तार से हमने चर्चा की थी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी उपन्यास पर। हिंदी उपन्यास, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बड़ी लोकप्रिय विधा है और कई प्रकार के उपन्यास हमारे समाज में हमारे लेखकों द्वारा हमें उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। तो आज हिंदी उपन्यास का हिंदी साहित्य में क्या अवदान है, कब से प्रारंभ हुआ। हम जानते हैं कि पहले जो तीन कालखंड हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, जिनको हम आदिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य, रीतिकालीन साहित्य के रूप में जानते हैं, तब तक खड़ी बोली गद्य का उस तरह से प्रदेय नहीं था, और भारतेंदु युग तक आते आते, आधुनिक हिंदी के कालखंड तक आते आते हमने खड़ी बोली हिंदी की अनेक गद्य विधाओं पर चर्चा परिचर्चा की है और आगे करेंगे। उसी में से हिंदी उपन्यास की बात आज हम कर रहे हैं। हिंदी उपन्यास का एक सुदीर्घ इतिहास है, अगर आज के हिसाब से हम देखें तो लगभग 150 साल का, 150 साल का इतिहास हिंदी साहित्य में हिंदी के उपन्यास लेखन का रहा है। और बहुत बड़े बड़े उपन्यासकार, बहुत जिनको हम उपन्यास सम्राट के रूप में भी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद कथाकार के रूप में उनका अवदान निश्चित रूप से सराहनीय है और अतुलनीय है। तो हम केंद्र में मुंशी प्रेमचंद को रखकर ही हिंदी उपन्यास की उद्भव और विकास यात्रा का विभाजन करते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की स्थिति क्या थी, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास की स्थिति क्या थी, और उसके बाद प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की स्थिति क्या थी, और फिर इन सब के बाद हम देखते हैं कि समकालीन उपन्यास लेखन की दशा और दिशा क्या है। ये तमाम पक्ष हैं जिन पर हम इस श्रृंखला में चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी उपन्यास पर आज हम पहला चरण है उस जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी उपन्यास के स्वरूप पर, उद्भव पर, क्योंकि प्रेमचंद युग से पहले हमें दो विभाजन के आधार पर दो युग देखने को मिलते हैं। प्रथम है भारतेंदु हरिश्चंद का युग, जिसकी चर्चा हमने कविता के रूप में और नाटक आदि के रूप में की थी, और दूसरा चरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग। तो हम इन दोनों युगों में उपन्यास का की का विकास कैसे हुआ, उसके स्वरूप का, उसकी विषय वस्तु का, उसके कथानक का, उसकी भाषिक शिल्प का स्वरूप क्या रहा, दिशा क्या रही, और इन उपन्यासों ने समाज को, संस्कृति को, राष्ट्र को किस रूप में आत्मसात किया, और उपन्यासकारों ने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन प्रारंभ में हम थोड़ी सी चर्चा सैद्धांतिक रूप से यह भी कर लें कि उपन्यास विधा के आधार पर जब हम यह विचार करें कि उपन्यास होता क्या है और उपन्यास शब्द कैसे बना है, उसका स्वरूप, उसका महत्व क्या है, तो वो भी थोड़ी चर्चा हमें कर लेना उचित होगा। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, उपन्यास हिंदी गद्य की आधुनिक युगीन अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। सबसे अधिक पठनीयता की दृष्टि से, जिसको हम रीडेबिलिटी कहते हैं, इस उपन्यास विधा ने अपने पाठकों को संजोया है, जुटाया है। उपन्यास शब्द की संरचना में उप जमा न्यास का योग दिखाई देता है, और उप उपसर्ग का अर्थ है निकट, समीप या पास में। जब हम उप उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं उप को,
तो उसका अर्थ होता है निकट में, पास में या समीप में। और न्यास अर्थ देता है रखे हुए का, स्थापित हुए का या विद्यमान होने का। तो कोई ऐसी वस्तु जो हमारे निकट रखी हुई है, जो हमारे जीवन के, हमारी जीवन शैली के, हमारे समाज के बहुत निकट है, उसको हम उपन्यास विधा के रूप में, उपन्यास शब्द के माध्यम से जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में उपन्यास के लिए नॉवेल शब्द का प्रयोग किया जाता है, और हिंदी में और संस्कृत में नॉवेल के पर्याय रूप में ही उपन्यास शब्द का चयन हमने किया, क्योंकि वह सार्थकता की दृष्टि से ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा उपयुक्त है और अर्थवान भी है। उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास के स्वरूप, उसकी परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप पर विचार किया और बहुत चर्चा विस्तार से भी उन्होंने की। लेकिन यदि बहुत संक्षेप में उनके मत का अगर हम अवलोकन करें तो देखें, उन्होंने लिखा कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो मनुष्य जीवन यानी सामाजिक जीव है मनुष्य, और उस मनुष्य के जीवन के तमाम पक्षों को उद्घाटित करना, उसके रहस्यों को जानना, उसकी तमाम घटनाक्रमों और जीवनचर्या को जानना, ये उपन्यास विधा का मूल मंतव्य है, मूल उद्देश्य है। इस दृष्टि से उपन्यास में जो बातें हमारे सामने उभर कर आती हैं वह है मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली विधा है उपन्यास। मनुष्य के जीवन में जीवन से मृत्यु, जन्म से मृत्यु तक जो भी घटनाक्रम रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि समग्र जीवन और जीवन से मृत्यु पर्यंत पूरी घटनाएं हों। कभी कभी किसी एक पक्ष या एक कालखंड की घटनाओं को भी लिया जाता है, कभी पूरे जीवन की घटनाओं को भी लिया जाता है, और उसी आधार पर फिर हम उपन्यासों का वर्गीकरण भी करते हैं कि ये महाकाव्यात्मक रचना है या उसके स्वरूप की दृष्टि से उसे किस वर्ग में हम रख सकते हैं। तो मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली रचना है। घटनाएं उपन्यास में क्रमबद्ध रहती हैं, एक के साथ दूसरी घटना, दूसरी के साथ तीसरी घटना, इसकी निबद्धता रहती है। ये बिखरी हुई नहीं होती, ये मुक्तक घटनाएं नहीं होती, ये उसकी प्रबंधात्मकता का एक बड़ा गुण भी हमारे सामने आता है। कल्पना भी उपन्यास में वास्तविकता प्रतीत होती है, अगर क्योंकि उपन्यास जो है वो मानव जीवन का प्रतिबिंब है, अगर तो जो उपन्यासकार है, जो लेखक है, रचनाकार है, वह सृजनशील होता है तो कल्पनाशील भी होता है। जीवन से, समाज से जिन घटनाओं को, जिन तथ्यों को, जिन घटनाक्रमों को वो उठाता है, उसके साथ उसकी अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति भी जुड़ती चली जाती है। इसलिए उसमें कल्पना की वास्तविकता प्रतीत होती है, यानी वास्तविकता की जैसी कल्पना प्रतीत होती है। उपन्यास को वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा इसी आधार पर कहा जाता है, वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा। इसमें वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग वर्गों के, अलग अलग स्तर के पात्र भी रहते हैं, यानी उच्च वर्गीय पात्र हैं, मध्यम वर्गीय पात्र हैं, निम्न वर्गीय पात्र हैं, फिर माने उनके पद के स्थान के आधार पर, ग्रामीण और शहरीकरण के आधार पर, पिछड़े और आधुनिक शहरीकरण के आधार पर, ऐसे कई सारे वर्ग और विभाजन हम इसमें देख सकते हैं। पात्रों के कार्यकलापों को कथानक में इस प्रकार पिरोकर उपन्यासकार प्रस्तुत करता है कि वह सहज ही विश्वसनीय लगता है, सहज ही पठनीय लगता है, और पाठक को उपन्यास में कहीं कहीं अपनी अभिरुचि के अनुकूल प्रस्तुतियां प्रतीत होती हैं और वो उसे फिर आद्योपांत पढ़ना चाहता है। हिंदी में कथा लेखन की परंपरा अगर इस हिंदी से पहले हम देखें तो संस्कृत में और अंग्रेजी में इस तरह के कथा लेखन, जिसमें उपन्यास कहानी आदि के लेखन की सुदीर्घ परंपरा रही है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी का और कहीं ना कहीं संस्कृत का एक सुदीर्घ परंपरा का प्रभाव हिंदी उपन्यास साहित्य पर भी दिखाई देता है, और उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। भारतीय साहित्य में ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और औपनिषदिक साहित्य में कथा लेखन की परंपरा विद्यमान रही है। कहीं स्वतंत्र रूप से कथा लेखन हुआ है और कहीं प्रसंगवश कथा प्रस्तुतियाँ की गई हैं,
किसी घटना विशेष को लेकर, किसी प्रसंग विशेष को लेकर, किसी न किसी कहानी को जोड़कर, किसी ऐतिहासिक पारंपरिक किस्से या किस्सा गोई को जोड़कर इस प्रकार के साहित्य में उपलब्ध तमाम तरह की उपन्यासिक या कथात्मक प्रस्तुतियाँ मिलती हैं। आगे चलकर बौद्ध और जातक कथाओं में हमें इस प्रकार की कथात्मकता का आभास होता है। जैन साहित्य में भी बहुत सारी कथाओं का समावेश है और कथाओं के माध्यम से जैन और धर्म साहित्य में इस तरह की प्रस्तुतियाँ की गई हैं। बहुत से पुराणों आदि में भी अनेक प्रकार की प्रेरक कथाओं का, सावधान करने वाली कथाओं का, मार्गदर्शन करने वाली कथाओं का समावेश रचनाकारों ने किया है। संस्कृत साहित्य में पंचतंत्र एक बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर कथा वृत्ति को बहुत ही खूबी से, बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हितोपदेश इसका एक दूसरा उदाहरण है। इसी तरह बैताल पच्चीसी लो, सिंहासन बत्तीसी हो, ये तमाम रचनाएं, कथा सरित सागर हो या शुक सप्तति हो या बृहत कथा आदि, ये अनेक उदाहरण हैं जो संस्कृत साहित्य में हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें कथा वृत्ति को या कथात्मकता को या कथा के तत्वों को बहुत ही खूबी से प्रस्तुत किया गया है। तो एक प्रकार से जब हम आधुनिक हिंदी गद्य की उपन्यास विधा की बात करते हैं, तो इसमें जो कथानक या कथा तत्व है, इसके बीज को हम संस्कृत के इन तमाम ग्रंथों में, तमाम पारंपरिक उपलब्धियों में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन सभी कथात्मक प्रस्तुतियों में औपन्यासिक तत्व भी विद्यमान हैं, जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। उपन्यास में कथानक होना चाहिए, उसमें संवादात्मकता होनी चाहिए, उसमें घटनाक्रम का परस्पर निबद्ध होना चाहिए। ऐसे तमाम बिंदुओं की ओर प्रकार जो चर्चा की गई है, उसकी भाषा शैली कैसी हो, उसका विस्तार कैसा हो, उसमें घटनाओं का चयन कैसा हो, तो वो सब हम इसमें देख सकते हैं। उपन्यास के निकट यदि हम देखें तो रोचकता, घटनाक्रम के उतार चढ़ाव और चरित्र चित्रण, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस दृष्टि से सबसे पहले अगर हमें कोई श्रेष्ठ औपन्यासिक या कथात्मक बृहत रचना मिलती है, तो वह रचना है बाणभट्ट की कादंबरी। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है, जिस पर आगे चलकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत सुंदर उपन्यास भी लिखा। तो बाणभट्ट की कादंबरी एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें इस कथा तत्व का विन्यास हमें मिलता है। उसके बाद संस्कृत काव्यशास्त्र के एक बड़े प्रकांड आचार्य हैं, विद्वान हैं, आचार्य दंडी, उनके दश कुमार चरित में भी इस प्रकार की कथा वृत्ति का आभास और बोध हमें मिलता है। हिंदी में हम जिस आधुनिक उपन्यास के उद्भव और विकास पर विचार करते हैं, आधुनिक साहित्य में, आधुनिक हिंदी खड़ी बोली में उपन्यास के जिस स्वरूप की चर्चा करते हैं, वह वस्तुतः रूप विन्यास और विकास की दृष्टि से यूरोपीय संस्कृति से हमारे पास आया है। यानी यूरोप में जो उपन्यास लेखन की परंपरा रही है, उसमें उपन्यास के स्वरूप और तत्वों पर जिस तरह से जो उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने विचार किया, उसका प्रभाव हमें हिंदी की उपन्यास लेखन की परंपरा पर दिखाई देता है। 17वीं-18वीं शताब्दी में आगे चलकर इंग्लैंड में बहुत से महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए। उन महत्वपूर्ण उपन्यासों का प्रभाव भी हम आगे चलकर देखेंगे, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो और गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं, जिसमें कथा बिंदु मिलते हैं, कथात्मक दृष्टि से कथानक की बुनावट जो है वो बहुत ही रोचक ढंग से की जाती है। तो ये बहुत चर्चित दो रचनाएं रही हैं, रॉबिन्सन क्रूसो और गुलिवर्स ट्रेवल्स नाम से। इनका हिंदी में अनुवाद भी हुआ है और बहुत लोकप्रिय हुई हैं। बाल समुदाय में, शैशव अवस्था में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही रोचक और प्रेरक रचनाएं रही हैं और हिंदी में इनका जो विक्रय है वो बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। धीरे धीरे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, रूस आदि में भी बहुत बड़े बड़े कथाकार और उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं, जिनमें चार्ल्स डिकेंस का नाम लिया जा सकता है, गेटे हैं, पुष्किन हैं, तोलस्टॉय हैं और इसी तरह गोर्की एक बड़ा नाम है। ये सारे वो रचनाकार, उपन्यासकार, कथाकार हैं जिनकी बहुत सारी रचनाओं का, जो विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनका हिंदी में, भारतीय अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और वह खूब पढ़ा गया है और उसको सराहा भी गया है। तोलस्टॉय की वॉर एंड पीस
तो विश्व प्रसिद्ध रचना है जिसको हिंदी में युद्ध और शांति के नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया गया और न जाने कितने संस्करण उसके विक्रय हुए और पढ़े गए और लोग उसका उल्लेख भी करते हैं। आज भी जब हम उपन्यास की बात आती है तो इस उपन्यास की चर्चा युद्ध और शांति की बहुत की जाती है। हिंदी में उपन्यास लेखन का शुभारंभ अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी में हमें दिखाई देता है। अंग्रेजी उपन्यास साहित्य ने भारतीय उपन्यास साहित्य को पूरी तरह प्रभावित किया है, ये हम तुलना करके भी देख सकते हैं और देख पाते हैं। परिणामतः सबसे पहले अंग्रेजी की इस औपन्यासिक रचनाओं का, औपन्यासिक श्रृंखला या परंपरा का प्रभाव हमें भारत में बंगाल की औपन्यासिक रचनाओं पर दिखाई देता है, क्योंकि आगमन जो है वो उसी मार्ग से अंग्रेजीयत का हो रहा था। तो बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र, ये तीन बड़े महान कथाकार, उपन्यासकार, रचनाकार बंगला भाषा के हैं, जिनका अनुसरण बाद में हिंदी के उपन्यासकारों, कवियों ने भी किया या कहानीकारों ने भी किया, क्योंकि इनका जो बहुमुखी व्यक्तित्व था, इनका जो साहित्यिक अवधान और प्रदेय था, वो निश्चित रूप से हिंदी के लिए भी बहुत ही उपकारी रहा। 19वीं शताब्दी में हिंदी में इंशा अल्लाह खां का नाम पहले आता है। गद्य के विकास में हम इनकी चर्चा कर चुके हैं और इस पर विस्तार से हमने बात की थी। रानी केतकी की कहानी इनकी बड़ी चर्चित कहानी थी और इस कहानी में उपन्यास के बीज दिखाई देते हैं, यानी जो कथा बिंदु हैं, जो कथानक की आधार भूमि है, वह इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने आती है और संभावनाएं बाकायदा प्रकट होती हैं। लल्लू जी लाल, जिन्होंने सिंहासन बत्तीसी और प्रेम सागर जैसी रचनाएं लिखी, ये दोनों रचनाएं एक तरह से कथाओं की इस तरह से निबद्धता है कि वो न तो पूर्णतः उपन्यास हैं, न पूर्णतः कहानी है, लेकिन उसमें उपन्यास के तत्व भी दिखाई देते हैं और कहानी के तत्वों का समावेश भी स्पष्ट ही दिखाई देता है। इन दोनों रचनाओं ने बहुत बड़े स्तर पर अपने साथ हिंदी के पाठकों को जोड़ा और इनके पाठकों ने इन रचनाओं को खूब पढ़ा, आनंद लिया, मनोरंजन हुआ और उनकी सराहना भी बहुत हुई। सदल मिश्र ने जटमल की गोरा बादल कथा नाम से जो प्रस्तुति की, उसका भी हिंदी जगत में बहुत स्वागत हुआ। प्रारंभ में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एक बड़ा नाम है, इनकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। राजा भोज का सपना नाम से इनकी एक रचना आई जिसमें कथात्मकता का बड़ा सुंदर निवेश हमें मिलता है। ऐसी अनेक रचनाएं और भी हैं जो कथा साहित्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य के जो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक युग है उसमें हम इन रचनाकारों और इनकी रचनाओं के माध्यम से देख सकते हैं कि हिंदी उपन्यास की आधारशिला का निर्माण हो रहा था, बुनियाद जो है वो तैयार हो रही थी, जिस पर आगे चलकर एक बड़ा सशक्त और बड़ा सुदीर्घ, बड़ा ऊंचा महल खड़ा हुआ और आज हम उपन्यासिक दृष्टि से बड़े अपने को संपन्न हिंदी में उपन्यासों का जो सृजन हुआ है, उसका जो विषय वस्तु और कथानक का जो वैविध्य है और भाषा और शिल्प के जो नए नए प्रयोग हैं वो अद्भुत हैं, इस दृष्टि से हम बहुत समृद्ध अपने को महसूस करते हैं। फारसी कथा साहित्य का प्रभाव भी कुछ कुछ हिंदी साहित्य, उपन्यास साहित्य, कथा साहित्य पर हुआ है। पर्शियन ने भी विश्व के साहित्य को प्रभावित किया है और हमारे यहाँ तो उर्दू, अरबी, फारसी का एक दौर, एक युग रहा है, तो ऐसी रचनाओं का भी प्रभाव हिंदी में स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे किस्सा तोता मैना, चार दरवेश, जागो बहार, किस्सा हातिम ताई या दास्ताने अमीर हमगा और इसी तरह तिलस्मे हीश रूजा जैसी बहुत सारी रचनाएँ हैं जो प्रकाशित हुई और जिनको बहुत बड़ा पाठक मिला और पाठक वर्ग ने ऐसी रचनाओं में अभिरुचि ली और उनको परस्पर प्रचार प्रसार भी मिलता गया और जो कथा साहित्य का पर्शियन करण है, फारसी करण है, वह भी हमें देखने को मिल सका। इसी समय हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद का आगमन हो रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद आधुनिक हिंदी काल के और खड़ी बोली के पहले वो कवि और गद्यकार हैं जिन्होंने नाटक भी लिखे, जिन्होंने एकांकी भी लिखे, जिन्होंने कविताएं भी लिखी, ब्रजभाषा में भी लिखी, खड़ी बोली में भी लिखी। तो भारतेंदु का अवदान निश्चित रूप से बहुत बड़ा अवदान था और उन्होंने सर्वप्रथम मराठी भाषा से हिंदी में पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नाम के दो कथात्मक प्रस्तुतियाँ हमारे सामने रखी। तो अनुवाद के माध्यम से मराठी भाषा की कथात्मकता को
हिंदी में लाने का जो काम भारतेंदु ने किया वह उस दृष्टि से उस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसके अवदान को हम भुला नहीं सकते। ऐसे ही ये दोनों जो सामाजिक एक प्रकार की कथात्मक औपन्यासिक रचनाएं थीं और इसीलिए समाज में इनका स्वागत भी हुआ, अभिनंदन भी हुआ। किंतु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास अगर हम किसी को कहें या माने तो हम सन 1882 में लिखा गया लाला श्रीनिवास दास का या उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास जिसको हम परीक्षा गुरु के नाम से जानते हैं। तो ये हिंदी का पहला उपन्यास है, सन 1882 में इसका सृजन हुआ और लाला श्रीनिवास दास ने इसको लिखा। ये परीक्षा गुरु वस्तुतः हिंदी उपन्यास के लिए पहला शुभ आरंभ माना जाता है और ये मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रवर्तक रचना के रूप में हमारे सामने आती है। सन 1877 में हालांकि इससे पहले श्रद्धाराम फुल्लोरी ने भाग्यवती शीर्षक से भी एक सामाजिक उपन्यास लिखा था, लेकिन औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से या औपन्यासिक महत्व की दृष्टि से हम उसे हिंदी का प्रथम उपन्यास कई कारणों से नहीं कह पाते। जो वैशिष्ट्य और जो खूबियां परीक्षा गुरु में मिलती हैं वो हमें प्रथम उपन्यास के रूप में उसी उपन्यास पर विचार करने के लिए बाध्य करती हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि बंगला में लिखे गए बहुत सारे उपन्यासों का हिंदी में जब अनुवाद होने लगा और उसकी एक परंपरा चल निकली तो उनमें लोकप्रियता और लोक स्वीकृति बड़ी तेजी से मिलने लगी। कथात्मकता उपन्यासकार या रचनाकार बंगाल का था, लिखे जा रहे थे मूलतः बंगला भाषा में, लेकिन हिंदी में उनके अनुवाद होने लगे, प्रकाश में प्रकाशित होने लगे और उनको पाठक भी मिलने लगे। और अच्छी बात यह हुई कि उन बंगला उपन्यासों की लोक स्वीकृति भी शीघ्र होती चली गई और धीरे 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 वो लोकप्रिय भी होते चले गए। भारतेंदु युग में बहुत सारे उपन्यासकार हैं जिनमें कुछ प्रमुख उपन्यासकारों की बात अगर करें जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग समस्याओं और चुनौतियों पर उपन्यास लिखे, अपने कथानक की बुनावट की और उससे समाज को निश्चित ही लाभ मिला, मार्गदर्शन भी हुआ, कुछ लोक अभिरुचि थी उसको ध्यान में रखकर भी औपन्यासिक रचनाओं का सृजन इन रचनाकारों ने किया, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिष्कार आता चला गया और समयानुकूल परिवर्तन भी होता चला गया। तो भारतेंदु युग के प्रारंभिक दौर में जो उपन्यासकार थे उनमें अगर प्रमुख नामों की बात करें तो लाला श्रीनिवास दास, जिनका समय 1851 से 1887 है, हम सन में ये बात कर रहे हैं। किशोरीलाल गोस्वामी का दूसरा नाम है, सन 1865 से 1932 तक ये उपन्यासिक या कथात्मक रचनाओं का सृजन करते रहे। बालकृष्ण भट्ट एक और बड़ा नाम है जिन्होंने निबंध के क्षेत्र में भी योगदान किया है, 1844 से 1914 तक का इनका कार्यकाल रहा है। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 तक इस दिशा में काम करते रहे, लेखन करते रहे। राधाकृष्ण दास जिन्होंने 1865 से 1907 तक उपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं का सृजन किया। लज्जाराम शर्मा 1863 से 1931 तक सृजन करते रहे। देवकी नंदन खत्री एक बड़ा नाम है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। खत्री जी ने जो उपन्यास लिखे, चंद्रकांता संतति बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है, भूतनाथ एक उपन्यास है, चंद्रकांता एक उपन्यास है, तो खत्री जी का अवदान तो बहुत ही बड़ा अवदान है क्योंकि उनकी उपन्यासिक रचनाओं को पढ़ने के लिए तो बहुत सारे उर्दू भाषियों ने हिंदी सीखी क्योंकि वो इन उपन्यासिक रचनाओं को पढ़कर इनका आनंद लेना चाहते थे। तो पूरे भारत में इनकी लोकप्रियता इस प्रकार से स्थापित हो चुकी थी। तो देवकी नंदन खत्री जी 1861 से 1913 तक इन कथात्मक रचनाओं का सृजन कर रहे थे। गोपाल राम गहमरी एक बड़ा नाम है जिन्होंने 1866 से 1946 तक उपन्यास और कहानी आदि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण अवदान उनका रहा है। भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, तिलस्मी और अय्यारी संबंधी उपन्यास, जासूसी और रोमानी उपन्यास, ऐसी उपन्यास लेखन की एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा जो भारतेंदु युग में हमें मिलती है वो आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में और अधिक पल्लवित हुई, विकसित हुई और इस तमाम तरह के औपन्यासिक कथानक या विषय वस्तु के विभाजन को महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में विस्तार भी मिला।
तो भारतेंदु युग में उपन्यास लेखन की जो उपन्यासकारों द्वारा एक सशक्त परंपरा हमें उपलब्ध हुई और बहुत ही सुंदर ढंग से उपन्यासों का सृजन हुआ, वो निश्चित ही आगे आने वाले युगों में बहुत काम की बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में जो उपन्यास लिखे गए उनमें बालकृष्ण भट्ट के 3 उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उल्लेखनीय हैं। एक तो है रहस्य कथा जो 1880 के आसपास प्रकाशित हुआ, नूतन ब्रह्मचारी जो 1886 में हमारे सामने आया, और 100 आजान की एक सुजान 1892 में हमारे सामने आया। तो बालकृष्ण भट्ट के ये 3 उपन्यास हमारे सामने आए और इनको बहुत ही पढ़ा गया, सराहा गया। राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू नाम से 1890 में एक उपन्यास लिखा और इस उपन्यास ने भी अपनी जगह बनाई। लज्जा राम शर्मा ने धूर्त रसिक लाल नाम से 1890 में, और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी नाम से एक दूसरा उपन्यास 1899 में लिखा। लज्जाराम जी के ये दोनों उपन्यास भी उपन्यास जगत में या कथा संसार में लोकप्रिय हुए। किशोरीलाल गोस्वामी ने त्रिवेणी व सौभाग्यश्री नाम से 1890 में एक महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा और इस उपन्यास ने भी इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली। ये सभी उपन्यास जो भारतेंदु युग में विभिन्न उपन्यासकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए, लिखे गए, ये सामाजिक कुरीतियों को उघाड़ने का काम कर रहे थे। भारतेंदु युग जैसे आगे हम चलेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग को तो सुधार काल के नाम से ही जाना गया। उसमें तो गद्य की या पद्य की जो भी विधाएं थी उनमें समाज की विद्रूपताओं, विकृतियों आदियों के सुधार का बहुत ही व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। लेकिन यहाँ भारतेंदु युग में भी औपन्यासिक रचनाओं ने जो समाज की अनेक कुरीतियाँ थी, जो दोष थे, जो विद्रूपताएँ थी, उनको उघाड़ा और उनकी निंदा की, उनकी आलोचना की और प्रकारांतर से पाठक को या जन समुदाय को या सामाजिक को यह ज्ञान दिया, यह शिक्षा दी कि ये सामाजिक रोग हैं, इनसे कैसे बचा जाए, इनके लिए क्या निदान खोजे जाएं, इस पर सोचने के लिए उन्होंने बाध्य भी किया। इन उपन्यासों ने आदर्श परिवार और आदर्श समाज की रचना की और उसकी स्थापना भी की। वो जो भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्य हैं उन मूल्यों को ध्यान में रखकर परिवार क्या होना चाहिए, परिवार में रहने वाले जो परिवार के सदस्य हैं उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, एक मुखिया की भूमिका क्या हो, एक गृहिणी की भूमिका क्या हो, एक भाई और एक बहन का की भूमिका या उसका रोल परिवार में क्या हो, ये सारी बातें। और संयुक्त परिवार प्रथा थी, उस परिवार में त्याग क्या होता है, धैर्य क्या होता है, संतोष क्या होता है, और परिवार किस तरह एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए प्रस्तुत रहता है, चिंता एक दूसरे की कैसे रहती है, ये तमाम वो मुद्दे थे जो उस समय के समाज के लिए अत्यंत आवश्यक थे। निराशा जो घर कर गई थी उसको दूर करने के लिए, ऐसे तमाम विषयों को भारतेंदु युग के उपन्यासों में उपन्यासकारों ने खूबी से प्रस्तुत किया। इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास तुलना में कम लिखे गए, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास या भारतीय या राष्ट्रीय गौरव गाथा का गान करने वाले उपन्यासों की संख्या सामाजिक उपन्यासों की तुलना में कुछ कम रही। इसी युग में किशोरीलाल गोस्वामी का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास सामने आया जिसे लवंग लता शीर्षक से 1890 में प्रकाशित किया गया। यह उपन्यास भी बहुत ही चर्चा का विषय रहा, लोकप्रियता इसने हासिल की। और उसी युग में बंकिम चंद्र, जो कि बंगला के एक बड़े, जिसको हम मील का पत्थर कहते हैं, ऐसे उपन्यासकार थे, उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से हिंदी को उपकृत किया क्योंकि उनके ऐतिहासिक उपन्यास हिंदी में अनूदित होकर प्रस्तुत किए गए, उनका बहुत अनुवाद हुआ और हिंदी पाठकों ने उन बंगला उपन्यासों को जब अपनी भाषा में पढ़ा तो बड़ा आनंद लिया और बहुत सराहना उनकी की गई। परिणामतः हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों की जो थोड़ी बहुत कमी थी या अभाव था उसकी पूर्ति बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों द्वारा, जो कि अनुवाद के रूप में हमारे सामने आए थे, उससे हो पाई। तिलस्मी और अय्यारी हिंदी उपन्यासों में
एक बहुत बड़ा नाम जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी वो देवकी नंदन खत्री का है। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता नाम से सन 1882 में एक ही दुर्लभ एक बड़ी महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचना का सृजन किया। इसी तरह चंद्रकांता संतति नाम से, और आश्चर्य की बात देखिए चंद्रकांता संतति 24 भागों में लिखा गया उपन्यास था। 1896 में ये बृहत एक श्रृंखलाबद्ध उपन्यास हमारे सामने आया, और विगत कुछ ही दिनों पहले हमने दूरदर्शन पर टेलीविज़न पर इसका मंचन भी, इसकी नाट्य प्रस्तुति भी देखी, और उसकी भी दर्शकों ने बड़ी सराहना की और लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे कि वो कब धारावाहिक के रूप में आएगा और वो उसे देखेंगे। तो चंद्रकांता संतति एक रहस्य को, एक गुह्यता को, एक जासूसी पने को, इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर एक बहुत ही अच्छी चर्चित रचना रही। और मैंने बताया कि ये वही उपन्यास है 24 खंडों में जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी बड़े स्तर पर। नरेंद्र मोहिनी नाम से 1893 में खत्री जी ने एक और उपन्यास लिखा। वीरेंद्र वीर नाम से 1895 में उपन्यास लिखा, और कुसुम कुमारी नाम से 1899 में एक उपन्यास देवकी नंदन खत्री ने लिखा। इस तरह हम देखते हैं कि खत्री जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से हिंदी उपन्यास जगत को बहुत बड़ा योगदान उनका रहा और बहुत कुछ दिया। इनसे प्रेरित होकर उस समय के बहुत सारे उपन्यासकार अपनी कहानियों और उपन्यासों में इस तरह की वृत्ति को शामिल कर रहे थे। उसमें रोमांच भी था, उसमें रोमानियत भी थी, उसमें अय्यारी का भाव भी था, जासूसी का भाव भी था। तो ये एक खास तरह का, एक खास शैली का उपन्यास संसार खत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। हरे कृष्ण जौहर नाम के एक उपन्यासकार हुए, उन्होंने कुसुम लता 1899 में लिखा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो श्रृंखला थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, प्रारंभिक हिंदी उपन्यास की ये श्रृंखला इस दृष्टि से निश्चित ही अविस्मरणीय है, इसके योगदान को हम भुला नहीं सकते। रहस्य रोमांच और तिलस्म तथा अय्यारी, तिलस्मी और अय्यारी शैली में लिखे जाने वाले उपन्यास भी इस युग में सराहे गए, उनको पाठकों ने उनका स्वागत किया। इन उपन्यासों के कथानक भी कुछ काव्य रूढ़ियों को एक साथ प्रस्तुत करते थे। कुछ माने अगर हम 10 उपन्यास उठा लें तो इन 10 उपन्यासों में कुछ न कुछ बिंदु, कुछ न कुछ चरण, कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी मिलेंगी जो सब में हमें एक रूप मिलेंगी। तो ये जैसे कथानक रूढ़ियाँ होती हैं, ऐसी इन उपन्यासों में भी कुछ रूढ़ियाँ थीं जो एक सी देखी गई। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो किसी सुंदर राजकुमारी का किसी तिलस्मी इमारत में कैद हो जाना। अब एक सुंदर राजकुमारी है और वो कोई एक तिलस्मी इमारत है, बिल्डिंग है, उसमें कैद हो गई है। अब उस इस घटनाक्रम को बहुत सारे उपन्यासों में बहुत से उपन्यासकारों ने किसी न किसी रूप में अपनी रचना में शामिल किया। प्रेमी राजकुमार का मदद के लिए पहुंचना और उस कैद राजकुमारी को छुड़ाना, ये भी एक रूढ़ी है जो बहुत सारी रचनाओं में देखने को मिलती है। राजकुमार का अपने हरफन मौला अय्यार मित्र की सहायता से, हरफन मौला अय्यार मित्र की सहायता से उस तिलस्म को तोड़ना, जो जिसने तिलस्म करके राजकुमारी को कैद कर लिया, वो दैत्य हो सकता है, राक्षस हो सकता है या खलनायक हो सकता है, उसके उस तिलस्म को तोड़ने के लिए नायक का अपने अय्यार मित्र को, जो बहुत दक्ष है, जो बहुत सक्षम है, जो इस सारी विधा को जानता है, उसकी सहायता से उस कैद राजकुमारी को छुड़ाना, ये घटनाक्रम भी बहुत सारे उपन्यासों में कहानियों में मिलता है। राजकुमारी को कैद से निकाल कर उसका उद्धार करना, उसको प्राप्त करना, हासिल करना, ये तमाम घटनाक्रम हैं जो कुछ उपन्यासों में हमें दोहराए हुए प्रतीत होते हैं, मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये उस समय की एक रूढ़ी थी। हम जब सूफी काव्य को पढ़ते हैं हिंदी में तो उसमें भी ऐसी अनेक काव्य रूढ़ियाँ हमें मिलती हैं कि जो बाधाएं आ रही हैं वो राक्षस के रूप में आ रही हैं, जो नायक है वो उस किस चीज़ का प्रतीक है, जो नायिका है वो किसकी प्रतीक है, माने आत्मा और परमात्मा इन सब के मिलन का जो रूपक बनाया जाता है। तो ये सूफी काव्य में इस तरह की परंपरा हमें मिलती रही है। चंद्रकांता संतति ने तिलस्मी उपन्यासों की दुनिया में लगभग एक
तहलका सा मचा दिया और असंख्य उर्दू भाषी लोग इस उपन्यासिक श्रृंखला से अत्यंत प्रभावित हुए और उस वर्ग में, उस समुदाय में ये उपन्यास बहुत ही लोकप्रिय भी हो गया और बार बार पढ़ा भी गया। गहमरी जी, गोपाल राम गहमरी जिनकी चर्चा हम कर चुके, उन्होंने अद्भुत लाश नाम से, शीर्षक की सनसनीखेज है, अद्भुत लाश 1896 में और गुप्तचर नाम से 1899 में दो अन्य उपन्यास हमें दिए, उनके सृजन से ये आए और इन उपन्यासों का भी हिंदी उपन्यास जगत में, पाठक जगत में स्वागत हुआ। गहमरी जी ने लगभग, ऐसा उल्लेख मिलता है इतिहास ग्रंथों में, कि लगभग 200 उपन्यास लिखे। एक व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में उपन्यास लिखता है और वो सब के सब उपन्यास जासूसी थे, तिलस्म को लेकर चलने वाले थे। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न नाम से 1988 में रोमानी उपन्यासों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए एक उपन्यास लिखा जिसको सराहा गया। भारतेंदु युग के उपन्यासों में सबसे अधिक सशक्त सृजन धारा सामाजिक उपन्यासों की रही है। जैसा पहले भी मैंने कहा कि समाज की समस्याएं, सामाजिक की समस्याएं, देश में रहने वाले नागरिकों की चिंताएं और कुरीतियों को लेकर, विद्रूपताओं को लेकर, सामाजिक बाधाओं को लेकर, ऐसे कुछ मुद्दे इन उपन्यासों में उठाए गए। उनका प्रकाशन खूब हुआ, उनको पढ़ा खूब गया। सामान्य जनता ने अगर लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तो इन्हीं उपन्यासों को सर्वाधिक पढ़ा भी। किशोरीलाल गोस्वामी ने मानवीय प्रेम के बहुत सारे पक्षों को उद्घाटित किया। ये मनुष्य का जो प्रेम है, ये कितने रूपों में हमारे सामने आता है, उस प्रेम का स्वरूप क्या है, उस प्रेम की विकास यात्रा क्या है, उस प्रेम के कारण आने वाली बाधाएं आपदाएं क्या हैं, ऐसे तमाम पक्षों को उन्होंने उजागर किया। और निश्चित रूप से मानवीय प्रेम है तो पाठक भी मानव है और उसको उसमें आनंद भी मिला। जीवन के यथार्थ परक उपन्यास लेखन की भी एक परंपरा भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी, लेकिन उसका विधिवत विकास अगर हम देखें तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में ही हो पाया। वहाँ जो मनुष्य के जीवन की यथार्थ घटनाएं हैं, जिन पर हम चिंता करते हैं और जो एक उघड़ा हुआ सत्य है, वो भारत द्विवेदी युग में जाकर हमारे सामने आया। इस युग में अंग्रेजी से हिंदी में और बंगला से हिंदी में उपन्यासों के बहुत बड़ी संख्या में अनुवाद हुए और भारतेंदु युग में ये एक अनुदित उपन्यास श्रृंखला का योगदान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब हम हिंदी अनुवाद के विकास की बात करते हैं तब भी, और उपन्यासों के विकास की बात करते हैं तब भी, दोनों जगह हम देखते हैं कि बंगला से हिंदी में बहुत सारे बड़े बड़े रचनाकारों, बड़े बड़े उपन्यासकारों, कथाकारों का, जिसमें शरद का नाम है, शरद चंद का, बंकिम चंद का नाम है, टैगोर का नाम है, ऐसी रचनाओं का अनुवाद किया गया है। बंगला से हिंदी में हुए अनुवादों में अगर उल्लेख करें, नाम चर्चा करें, बंकिम चंद चटर्जी का, रमेश चंद्र दत्त का, तारकनाथ गांगुली का, दामोदर मुखर्जी, ये चौथे रचनाकार हैं। ये चार वो बड़े नाम हैं जिनकी अनेक रचनाओं का अनुवाद हिंदी में हुआ और हिंदी जगत के पाठकों ने इन्हें खूब सराहा, खूब पढ़ा, आनंद लिया। ऐसे बहुत सारे अनुदित उपन्यास हैं जिनका कहीं कहीं नाट्य रूप मंचन भी हुआ, उनकी प्रस्तुतियां भी हुई और लोगों ने उनको सराहा भी। रमेशचंद दत्त के बंग विजेता, बंकिम चंद जो बड़े रचनाकार हैं बंगला के, उनके दुर्गेश नंदिनी, इन दोनों बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी दोनों उपन्यासों के हिंदी में गदाधर सिंह नाम के एक अनुवादक हैं, उन्होंने 1882 में अनुवाद किए और ये अनुवाद निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आए, क्योंकि दुर्गेश नंदिनी हो या बंग विजेता हो, ये दोनों बंगला के भी बड़े चर्चित रहे, बंगला में भी और हिंदी में भी बहुत चर्चित रहे। बंकिम चंद के राज सिंह, इंदिरा, राधा रानी और युगलांगुरीय, इन चार उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में प्रताप नारायण मिश्र ने किया। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी गद्य लेखन में निबंधकार के रूप में बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कविताएं भी लिखी, गद्य लेखन भी किया, तो प्रताप नारायण मिश्र ने उनका अनुवाद किया। दामोदर मुखर्जी का मृणमयी नाम से एक उपन्यास है, उसका भी हिंदी में राधाचरण गोस्वामी ने अनुवाद किया। स्वर्ण कुमारीकृत दीप निर्माण नाम का एक
बंगला का अनुवाद है, उपन्यास है, उसका मुंशी हरित नारायण लाल ने हिंदी में अनुवाद किया। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हिंदी के बड़े और स्थापित उपन्यासकार जो हिंदी में अच्छे उपन्यास लिख रहे थे, उन्होंने बंगला भाषा से अनुवाद करके भी हिंदी में इन रचनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो अनुवाद कर्म औपन्यासिक रचनाओं का ये कोई छोटा काम नहीं था, हीन काम नहीं था, इसको उन्होंने उतना महत्व दिया, उतनी गरिमा दी, और उससे हिंदी जगत भाषा की दृष्टि से, कथ्य कथानक की दृष्टि से, सांस्कृतिक अवदान की दृष्टि से समृद्ध हुआ, संपन्न हुआ। इनके अतिरिक्त रामकृष्ण वर्मा ने चित्तौर चातकी नाम से एक उपन्यास का अनुवाद किया 1895 में। ये चित्तौर चातकी वस्तुतः मौलिक उपन्यास है, 1895 में इसकी प्रस्तुति हुई। कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला नाम से 1895 में, प्रमीला नाम से 1896 में, जया और मधुमालती नाम से ऐसे 4-5 उपन्यास हमारे सामने आए जो कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा लिखे गए और हिंदी जगत में यह भी स्वीकार हुए। गहमरी जी ने चतुर चंचला 1893 में लिखा, भानुमती 1894 में लिखा, नए बाबू 1895 में लिखा। इस तरह हम देखते हैं कि ये सारे उपन्यासकार जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जमाने के युग के उपन्यासकार हैं, इन्होंने मिलकर इस उपन्यास विधा को समृद्ध किया, संपन्न किया। मौलिक उपन्यास लेखन और अनुदित उपन्यास प्रकाशन, इन दोनों दृष्टियों से अगर हिंदी जगत में उपन्यासों के उद्भव विकास की बात करें तो प्रारंभिक चरण में इस युग का अवदान निश्चित ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आधुनिक हिंदी में जब हम भारतेंदु युग की बात करते हैं तो उस युग का अवदान नाटक की दृष्टि से भी, एकांकी की दृष्टि से भी, कहानियों की दृष्टि से भी, निबंधों की दृष्टि से भी, वो एक तरह का प्राथमिक स्वर्णिम चरण है जो जिसका उल्लेख हम बार बार करते रहे हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि हिंदी लेखकों को उपन्यास सृजन और सृजनात्मकता का संस्कार, सृजन का संस्कार भी कभी कभी तो कभी कहते हैं हम ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन कई बार वो संस्कार हमें अपने से अग्रज या पूर्वज जो वरिष्ठ साहित्यकार होते हैं उनसे हमें उसकी शिक्षा और ज्ञान मिलता है, उनसे हमें मार्गदर्शन भी मिलता है। तो ये संस्कार जो है ये वस्तुतः कथात्मक रचनाओं का संस्कार तो बंगला भाषा से हिंदी में आया था। और राष्ट्रीय जागरण जिसकी बात हम करते हैं, संयोग से स्वतंत्रता दिवस का दौर भी है, तो राष्ट्रीय जागरण का, आज़ादी के गुणगान का, भारतीय गौरव गाथाओं के बखान का जो दौर था वो बंगला रचनाओं में खूब था, और वह परिपाटी, वह परंपरा, वह शैली हिंदी में भी अवतरित हुई, और इसमें निश्चित रूप से बंगला रचनाओं, रचनाकारों का योगदान है। मराठी और उर्दू से भी हिंदी में कुछ कुछ अनुवाद हुए हैं, अंग्रेजी से हुए अनुवाद भी इस युग में बड़ी संख्या में हमारे सामने आए। इस तरह हम देखते हैं कि अंग्रेजी रचनाओं का सीधा सटीक अनुवाद और कहीं कहीं प्रेरणास्पद अनुवाद, दोनों प्रकार के अनुवाद हमें इस युग में मिले। भारतेंदु ने मराठी रचनाओं से अनुवाद भी किए और अन्य लेखकों ने बंगला रचनाओं से अनुवाद किए, तो भारतीय भाषाओं के महत्व का, उन भाषाओं के अवदान या प्रदेय का को स्वीकृत करते हुए, उसके महत्व को स्वीकार करते हुए रेखांकित करना, ये इस रचनाकारों, इस युग के उपन्यासकारों और रचनाकारों का बड़ा काम हमारे सामने आता है। उर्दू भाषा में जो उपन्यास थे उनका हिंदी में रामकृष्ण वर्मा नाम के एक अनुवादक थे, उन्होंने संसार दर्पण नाम से, अमला वृत्तांत माला नाम से 1884 में, इसी तरह ठग वृत्तांत माला नाम से 1890 में, पुलिस वृत्तांत माला 1890 में, ऐसी उर्दू में उपलब्ध उस समय की लोकप्रिय, लोक स्वीकृत रचनाएं थीं कथात्मक और उपन्यासिक, उनका अनुवाद भी उर्दू से हिंदी में हुआ और वो प्रकाश में आया और उनको भी लोगों ने पढ़ा। तो उपन्यासिक रचनाओं के अनुवाद की एक सुदीर्घ परंपरा भी भारतेंदु युग में मिलती है। हर दृष्टि से भारतेंदु युग औपन्यासिक और कथात्मक प्रस्तुतियों की के क्षेत्र में, के संदर्भ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लेखन परंपरा का विकास हम आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में
देखेंगे, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा कि द्विवेदी जी एक युग प्रवर्तक के रूप में गद्य लेखन को लेकर, गद्य लेखन की अनेक विधाओं को लेकर वो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आए। उन्होंने हिंदी गद्य लिखना तो सिखाया ही, खड़ी बोली के विकास में जो क्रांतिकारी भूमिका, जो महत्वपूर्ण योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी का था, उससे हिंदी उपन्यास भी उर्वरा भूमि पर पहुंच गया, हिंदी कहानियां भी बहुत ही रोचक रोमांचक हो गईं। और अच्छी बात यह हुई कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास और कहानियों के लिए, कविताओं के लिए लेखकों को का आह्वान करते हुए उन्हें विषय दिए, उनको कहा कि ये विषय हैं जो वर्तमान समाज में अपेक्षित हैं, आवश्यक हैं, इनकी ज़रूरत है, इस समाज में जो विद्रूपताएँ, जो कुरीतियाँ हैं, जो भटकाव है, इन सब को दूर करने के लिए आप ऐसी समस्याओं को विषय वस्तु बनाओ जो प्रासंगिक हैं, जो बहुत उपयोगी हैं। तो द्विवेदी जी ने जब विषय वस्तु का बोध कराया, कथानक की का वितरण किया, अपनी सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए उन्होंने एक प्रकार से एक संपादक की वस्तुतः जो वास्तविक भूमिका होती है कि अगर कोई त्रुटि है, गलती है, तो वो उसको शुद्ध करके उसे मानक बनाकर उनके पास भेजते थे कि इस रूप में इसको पुनः प्रस्तुत करें, इसमें ये त्रुटियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, संशोधन करें, संवर्धन करें, ये काम भी वो करते थे। तो उस जमाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में जो औपन्यासिक रचनाएं हमारे सामने आईं, निश्चित ही वो बहुत ही महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं हैं, और उपन्यास लेखकों ने उस समय को ध्यान में रखते हुए, समय सापेक्ष विषय वस्तु का चयन करते हुए बहुत ही प्रेरक उपन्यास हमारे सामने रखे हैं। इनकी चर्चा, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के औपन्यासिक विकास, उसकी यात्रा की चर्चा हम फिर अगली श्रृंखला में आपके सामने फिर से करेंगे। मैं समझता हूँ कि भारतेंदु युगीन उपन्यास का एक प्रारूप आपके सामने आ गया होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टंडन साहब, जिस तरह से आपने उन विभिन्न उपन्यासकारों के बारे में और किस तरह से भाषा का योगदान रहा, वो चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, किस तरह से एक साथ मिलकर उन्होंने उपन्यास को एक नया आयाम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बताना चाहूँगी कि कल भी टंडन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इनसे हम लेंगे और भी जानकारी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार।